हेलो, HSC कॉमर्स मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी स्टार्टेड ऑनलाइन लेक्चर फॉर मैथ्स एंड अकाउंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 1.1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट इन मैथ्स 2। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कोचिंग कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल का सम एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। सम आपके डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके से है। एन एजेंट वॉज पेड ₹58,500 एज अ कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%। एक एजेंट है जिसे कमीशन मिल रहा है 58,500, यानी ये कमीशन की अमाउंट है। ये रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹58,500, ओके। और कमीशन का रेट भी दिया हुआ है हमें, दैट इज 12.5%। इफ प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹18,000, देन हाउ मेनी कंप्यूटर डिड ही सेल। यहाँ पे भी ये चीजें दी हुई है कि अगर एक कंप्यूटर की जो प्राइस है वो है 18,000, तो एजेंट ने टोटल कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर सेल किए। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें गिवन लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें हम जितने भी मेथड यूज करेंगे वो सब की सब हमने जैसे फर्स्ट और सेकंड सम में जैसे हमने फॉर्मूला और मेथड्स अप्लाई किए हैं, वैसे हम आगे भी अप्लाई करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में हमें सबसे पहले क्या दिया है, एजेंट कमीशन। नेक्स्ट दिया है रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12.5%। ओके, और इसके अलावा हमें एक और चीज दी है, वो हमें दी है प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर, दैट इज प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज इक्वल टू ₹18,000। ओके, ये सारी चीजें सम में दी है, बट जैसे कि अगर आप फर्स्ट सम और सेकंड सम पे ध्यान देंगे तो हमने हमेशा एजेंट का जो कमीशन है वो हमेशा हम किस पे निकालते हैं, एजेंट का कमीशन हम टोटल सेल वैल्यू पे निकालते हैं। जैसे कि लास्ट सम में आपने देखा होगा, हमने एजेंट कमीशन इज इक्वल टू लिखा है टोटल सेल इंटू रेट ऑफ कमीशन, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस सम में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे सारे परसेंटेज निकलते हैं, वो सेम मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिक है वो चीज मिसिंग है, दैट इज सेल वैल्यू। क्या मिसिंग है, सेल वैल्यू। अब सबसे पहले अगर मोस्ट बेसिक चीज सेल वैल्यू मिसिंग है तो हमें उसे लेना पड़ेगा, या तो हम एक्स लेंगे उसे, ठीक है, या तो आप वाई लीजिए। फिलहाल नॉर्मली हम लोग इसको क्या लेते हैं, हम लोग इसको एक्स लेते हैं, तो हम लोग इसको एक्स लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे एक्स ले रहे हैं तो यहां पे हम एक्स लेने के बाद उस पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें इजीली एक्स की वैल्यू मिल जाएगी बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। यहां पे हम लेते हैं, लेट द टोटल सेल्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स। ओके, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से एजेंट का कमीशन निकालते हैं। तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एजेंट कमीशन इज इक्वल टू फॉर्मूला टोटल सेल इंटू रेट ऑफ कमीशन। ओके, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी किया है, टोटल सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन, राइट है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एजेंट कमीशन हमें क्वेश्चन में दिया है कितना है, 58,500। हम यहां पे लिख देंगे 58,500। टोटल सेल्स कितना है, एक्स इंटू रेट ऑफ कमीशन है 12.5 डिवाइड बाय 100। ओके, अब हम इसे करेंगे, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 58,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 12.5 इज इक्वल टू एक्स। अब ये हमारा 12.5, हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जब भी किसी क्वेश्चन में पॉइंट आ जाता है तो स्टूडेंट हमेशा ये सोचने लगते हैं कि सर पॉइंट डेसिमल में जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करें। तो हमेशा से स्कूल से हम एक मेथड यूज करते आ रहे हैं कि डेसिमल में जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना होता है तो हम सबसे पहले डेसिमल क्वेश्चन में से हटा लेते हैं। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, डेसिमल हम सबसे पहले यहाँ से हटा देंगे, दैट इज क्या करेंगे हम यहाँ पे 58,500
इंटू 1000 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू एक्स। अच्छा देखिए हमने क्या किया, ये 100 है, ये 12.5 है, पॉइंट के बाद कितना डेसिमल, सॉरी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट 10 से आप सिर्फ इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12.5 जो है वो 125 है। ओके आगे यहाँ पे 58,500 इंटू 1000 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू एक्स। अब बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, आपको ध्यान ये देना है, सीधा इससे और इसे कट करके मत जाइए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है 1000 है नीचे 125 है, क्या ये दोनों 5 के टेबल में आता है? ठीक है, सबको पता है ये दोनों 5 के टेबल में आता है, हम इसे सिंपल करेंगे 5 के टेबल से, 525 ये कट जाएगा और इसे हम कट करेंगे ये आएगा 200। ओके अब सीधा 25 के टेबल से आप इसे काट देंगे, 25 8 200, या फिर से अगर आप 5 के टेबल से इसे कट करना चाहते हैं तो फिर से आपका 5 के टेबल से कट कर सकते हैं। ओके अब 58,500 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 8 में, तो 58,500 इंटू 8, बहुत ही सिंपल तरीके से 8,0 8 5 40 0 4 8 8 64 and 4 that is 68 carry 6 8 5 40 and 6 46 that is 4,68,000। हमारा x का वैल्यू क्या आया, हम इसे सीधा लिख लेते हैं अभी, ₹4,68,000। अच्छा x का वैल्यू हमारा आया 4,68,000, यानी ये हमारा क्या आया टोटल सेल वैल्यू, ये हमने क्या निकाला, हमारा टोटल सेल वैल्यू इज इक्वल टू ₹4,68,000। तो अब स्टूडेंट हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या था, कि टोटल सेल वैल्यू हमने निकाला 4,68,000, बट क्वेश्चन में देखिए हमें निकालना है नंबर ऑफ कंप्यूटर टू बी सोल्ड, यानी कि हमने टोटल नंबर ऑफ कितने कंप्यूटर बेचे, 20 बेचे, 25 बेचे, 30 बेचे, हमने कितने कंप्यूटर बेचे, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सीधा फॉर्मूला बता दूं कि सपोज मुझे निकालना है टोटल सेल कंप्यूटर का, मुझे टोटल सेल निकालना है। ओके अगर टोटल सेल मुझे अगर कंप्यूटर का निकालना है, ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक कंप्यूटर की प्राइस रखी है 20,000, एक कंप्यूटर की प्राइस है 20,000, टोटल मैंने मार्केट में 5 कंप्यूटर बेचे, कितने 5, अगर मैंने एक कंप्यूटर की प्राइस रखी है 20,000 और मार्केट में मैंने टोटल 5 कंप्यूटर बेचे, यानी मैंने टोटल मुझे हाथ में पैसे कितने मिलेंगे, 1,00,000 रुपए। कैसे, अगर मेरे 20,000 के एक कंप्यूटर है, मैंने मार्केट में अगर 5 कंप्यूटर बेचे तो 20 20 20 20 और 20, मुझे हाथ में टोटल 1,00,000 रुपए मिलेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, राइट है? तो हमने फॉर्मूला देखिए क्या लगाया था, यहाँ पे टोटल सेल इज इक्वल टू, ये क्या था हमारा ईच वैल्यू और ये क्या था नंबर ऑफ कंप्यूटर, राइट है ना, ईच वैल्यू और नंबर ऑफ कंप्यूटर। अब इस समय हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्यूटर निकालना है, ठीक है ना, और ईच वैल्यू पता है, टोटल सेल भी पता है जो कि हमने यहाँ पे लाया अभी। तो अगर हमें नंबर ऑफ कंप्यूटर पता है, ईच वैल्यू सॉरी नंबर ऑफ कंप्यूटर निकालना है, ईच वैल्यू और टोटल सेल पता है, तो मैं ईच जो वैल्यू है, मुझे एक कंप्यूटर की जो प्राइस है, इसे मैं इस तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा यहाँ पे जब ये था तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसे मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या रेडी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा कि टोटल सेल डिवाइड बाय, ठीक है, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, राइट है ना, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर टू बी सोल्ड, राइट है। इस तरीके से फॉर्मूला बनेंगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आप अपने मन से आराम से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूला रेडी होगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रेडी होगा, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ कंप्यूटर टू बी सोल्ड इज इक्वल टू बी सोल्ड, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर टू बी सोल्ड फॉर्मूला हमने अभी देखा कि फॉर्मूला हमने क्या बनाया है, टोटल सेल अपॉन प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, इज इक्वल टू 4,68,000 ये हमारा टोटल सेल है और 18,000 ये हमारी क्या है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की वैल्यू है, हम इसे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा
26, यानी कि हमारा फाइनल आंसर बन गया, देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 26। ये आया हमारा फाइनल आंसर, ये आया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने बताया है, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ रफ वर्क में मैंने फॉर्मूला कैसे रेडी होगा वो आपको बताने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्समैन इज अलाउड 5.5% कमीशन, वहां पे लिखा है 5.5%, जिससे हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं 5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000 इफ हिज टोटल अर्निंग्स अमाउंट टू ₹3,980, फाइंड द सेल्स मेड बाय हिम। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम लोग इसे एक एडिशन मेथड के थ्रू करेंगे। एडिशन मेथड के थ्रू कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या बोला है, अ सेल्समैन इज अलाउड 5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम प्लस अ बोनस, यानी एजेंट को दो चीजें मिली हैं, एक कमीशन भी और बोनस भी, ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000 इफ हिज टोटल अर्निंग्स अमाउंट टू ₹3,980, फाइंड द सेल्स मेड बाय हिम। यानी अगर उसे टोटल मिला के ₹3,980 मिल रहे हैं तो उसने टोटल कितने का माल बेचा होगा, कितने का माल सोल्ड किया होगा मार्केट में। तो इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे बेसिक चीज मिसिंग है, दैट इज टोटल सेल्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल सेल्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द टोटल सेल्स बी रुपीज एक्स, लेट द टोटल सेल्स बी रुपीज एक्स, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ही रिसीव्स 5.5, मैंने आपको बताया कि हम जैसे कि 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5.5, ओके, क्योंकि 1/2 ये 0.5 होता है। He received 5.5% commission on total sales, ना? तो on total sales is equal to, that is x into 5.5 divided by 100, हम ऐसा लिख सकते हैं, right है? x into 5.5 divided by 100, that is 5.5x divided by 100, okay? हमेशा ये डेसिमल में है तो डेसिमल हटा के हम उसे सॉल्व करते हैं। अगर ये पॉइंट में है, देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, तो डेसिमल के बाद है एक डिजिट, तो एक डिजिट है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हमारा बन जाएगा डेसिमल हटके 55x और ये हमारा हो जाएगा 1000, ओके। तो ये हमने निकाला ही रिसीव्ड कमीशन, यानी जो उन्हें फर्स्ट कमीशन मिला वो। आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन में एक और चीज भी बोला है, प्लस अ बोनस ऑफ 1.1/2%, दैट इज 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹10,000। तो अब हम यहां पे लिखेंगे सेल्स ओवर रुपीज, हमें कितना बोला है यहां पे, सेल्स ओवर रुपीज 20,000 बोला है, तो सेल्स ओवर रुपीज 20,000 क्वेश्चन में बोला है हम। अब सेल्स ओवर रुपीज 20,000 कैसे आएगा, तो मैं आपको बताऊं कि सेल्स ओवर रुपीज 20,000, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सिखाते वक्त, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिखाते वक्त मैंने आपको बताया था, जब भी वर्ड आपको कहीं पे दिख जाए ओवर, तो हम टोटल में से उस अमाउंट को लेस कर देंगे, ठीक है, टोटल सेल में से हम उस अमाउंट को लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें वहां पे एक्स्ट्रा कमीशन एक्स्ट्रा अमाउंट पे निकालना है, टोटल पे निकालना नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पे ओवर वर्ड देख के हमने यहाँ पे वहां पे लेस किया था, वही वैसा ही हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में कि जब भी वर्ड आए ओवर तो हम लेस करेंगे, बट देखेंगे हम कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारेंगे, कोई चीज नहीं अपने मन से लिख देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में जो चीज दी है वो हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे एज इट इज, क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझेंगे और इससे आगे सॉल्व करेंगे।
सेल्स ओवर रुपीज 20,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 20,000, ये हमारा आ गया सेल्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है हमें, तो आगे हमें क्वेश्चन में ये बोला है उसे इसी ओवर यानी कि प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर रुपीज 20,000 बोला है, यानी कि ये जो ओवर है इसी पे आपको 0.5% बोनस मिलेगा। तो अब हम यहां पे बोनस निकाल दें, बोनस एट द रेट ऑफ 1.2% राइट है, किस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा क्योंकि ओवर सेल्स पे ही मिला है, तो रुपीज एक्स माइनस 20,000 इंटू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5/100। अब 0.5/100 तो इसे भी हम क्या करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 20,000 डेसिमल हट जाएगा, हमें क्या मिलेगा 5/1000। ओके, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों का, ठीक है 5/1000 का, तो 5 का x से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 5x/1000 माइनस 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 × 5 दैट इज 100 और ये 3 0 यानी 1,00,000/1000। ओके, ये हमारा क्या आया, बोनस मिलेगा आपको 5x/1000 माइनस 1,00,000/1000। इसे हम, ये दोनों देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5x-1,00,000/1000, ये हम लिख सकते हैं कि 5x-1,00,000/1000, तो ये क्या मिला हमें बोनस। अच्छा क्वेश्चन में देखिए टोटल मिला के उसे कमीशन मिला है 3980, ये उसका टोटल इनकम है जिसमें कि कमीशन अलग है और बोनस अलग है, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम इज इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस, राइट है, क्योंकि यही होगा टोटल इनकम। कमीशन कितना है, तो कमीशन आपने यहां पे निकाला है, कितना है कमीशन 55x/1000 राइट है, प्लस बोनस कितना है, बोनस है 5x-1,00,000/1000। और यहां पे देखिए टोटल इनकम ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल इनकम कितना है 3980, टोटल क्वेश्चन हमें इनकम इसीलिए दिया हुआ है क्वेश्चन में ताकि हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल सके, तो ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3980 इज इक्वल टू, ये बीच में प्लस की साइन है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, नीचे हम 1000 को एक बार एज इट इज कॉपी कर देते क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और इसे हम अब सीधा ऐड कर सकते हैं, ठीक है 55x+5x-1,00,000 राइट है स्टूडेंट, इस तरीके से हम कर सकते हैं 55x और 5x कितना हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखते हैं 3980 जो कि इस तरफ की अमाउंट है लेफ्ट हैंड साइड की, 60x-1,00,000/ यहाँ पे क्या है 1000/1000। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये 1000 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3980 × 1000 इज इक्वल टू 60x-1,00,000। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3980 और ये 30 यानी हो गया 3980,000 इज इक्वल टू 60x-1,00,000, ये -1,00,000 है, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 3980,000+1,00,000 इज इक्वल टू 60x, ये हो गया 40,80,000 इज इक्वल टू 60x। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे 60 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू एक्स, 1010 कट गया। अब आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे 408,000, 30 बचेंगे से डिवाइड बाय 6, ओके 6 6 36, 4 8 6
ठीक है, 6 8 कितना हो गया 48। अब ये हो गया हमारा 0, ये जो 3 0 है इसे हम ऊपर कॉपी कर लेते हैं। एक्स का आंसर हमारा कितना आ गया 68,000, कितना आ गया 68,000। तो बहुत ही आसानी से हमने क्या लिया था, टोटल सेल्स भी रुपीज एक्स, तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 68,000। ठीक है, बहुत ही इजीली आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसी के रिलेटेड आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 7.5%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि बिजनेस का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। कैसे, तो मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं कि सपोज आप कहीं पे एजेंट हो, ठीक है, आपको पहले 6% कमीशन मिलता था, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, पहले आपको 6% कमीशन मिलता था, अब आपको 7.5% कमीशन मिल रहा है। अच्छा, 6% कमीशन मिल रहा है, तो सपोज आपको 6% के हिसाब से आपको 5,000 रुपीज मिल रहे थे, अब 7.5% कमीशन मिल रहा है, तो अब आपको अमाउंट जो है वो ज्यादा मिलनी चाहिए या कम? ऑफ कोर्स ज्यादा मिलनी चाहिए, बट क्वेश्चन में ये बोला है कि आप 6% से 7.5% पे कमीशन पे जा रहे हो, बट द इनकम रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड का मतलब आपका इनकम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इनकम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने जो एक्चुअल परसेंटेज जिसपे कैलकुलेट होता है, यानी कि मैं बात करूं टोटल सेल की, यानी बिजनेस के वैल्यू जो है वो कम हो रही है। सपोज पहले आपने 1,000 रुपीज पे 6% चार्ज किया था, राइट है, अब जो है 800 रुपीज पे 7.5% चार्ज हो रहा है, शायद इसीलिए जो है आपका इनकम बढ़ नहीं रहा है, वो इक्वल का इक्वल ही है। ऐसा क्वेश्चन में समझाया गया है कि आपका परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, यानी 6% से 7.5% हो रहा है, बट आपका इनकम चेंज नहीं हो रहा है, इनकम रिमेन अनचेंज। यानी आप पहले अगर 10,000 कमाते थे एज अ कमीशन, तो अभी भी आप 10,000 ही अर्न कर रहे हो, भले आपका परसेंटेज इंक्रीज हो गया। इसका मतलब यही है कि बिजनेस के वैल्यू में कमी हुई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन अनचेंज टू द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 7.5%। अच्छा, हो सकता है कि पहले हमने देखिए यहाँ पे एक चीज ली है, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी रुपीज एक्स, सॉरी बी रुपीज 100। ठीक है, हमने यहाँ पे एक चीज ली है, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी रुपीज 100, कि हो सकता है सर बिजनेस में सबसे पहले हमारे बिजनेस की वैल्यू हो 100। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख के और फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिजनेस की पुरानी वैल्यू, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी रुपीज 100, उस टाइम पे कमीशन कितना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए बोला है द रेट ऑफ कमीशन वॉज 6%। ठीक है, द रेट ऑफ कमीशन पहले कितना था 6%, तो यहां पे हम कमीशन के अमाउंट निकालेंगे, कमीशन रिसीव इज इक्वल टू आपकी बिजनेस की वैल्यू कितनी है 100, रेट ऑफ कमीशन है 6%, यानी आपको यहां पे कितने रुपीज मिलेंगे, रुपीज 6, राइट है, ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया, रुपीज 6, राइट है। अब हमने लिया कि सर पहले हमारे बिजनेस की वैल्यू सपोज 100 थी, तो हमने उस पर 6% निकाला, तो हमारी वैल्यू आ गई रुपीज 6। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं, लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी रुपीज एक्स। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि हमने एक वैल्यू को 100 लिया, एक वैल्यू को x लिया, सर हम x जो है वो इनिशियल वैल्यू क्यों नहीं ले सकते थे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको क्लियरली बता भी दूंगा। लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी रुपीज एक्स, तो अब हम इस पे निकालेंगे न्यू कमीशन रिसीव इज इक्वल टू, अब एक्स पे आपको कितना मिलेगा 7.5%, क्योंकि अब न्यू कमीशन आपका कितना है, न्यू रेट ऑफ कमीशन, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते रेट ऑफ
कमीशन, नए बिजनेस में आपका रेट ऑफ कमीशन कितना है? 7.5%। ओके, न्यू कमीशन रिसीव्ड इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7.5 डिवाइड बाय 100, दैट इज हम फिर से इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 1000। ओके, ये हमने क्या निकाला, ओल्ड और न्यू कमीशन के अमाउंट। अब उन्होंने क्या बताया बिजनेस में, हमें क्वेश्चन में क्या बताया उन्होंने कि इसमें आपको पहले ही जितने कमीशन मिलते थे अभी भी उतना ही मिल रहा है, यानी पहले अगर आपको 2000 मिलता था तो अभी भी 2000 मिल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल है, सेम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए मैं क्या लिखता हूं यहां पे, 6 इज इक्वल टू 75x अपॉन 100। ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन आपको आंसर आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कमीशन रिसीव्ड हमारा पूरा पुराना आया था 6, नया आया हमारा 75x अपॉन 1000, ठीक है, यहां पे आएगा 1000। अब उसने ऑलरेडी बोला है रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज्ड का मतलब ये है कि वो इक्वल होने चाहिए, राइट है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया उसको इक्वल। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 1000 जो है वो इस तरफ आएगा, 6 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 75x, सबको पता है इसको इजीली हमें सॉल्व करना है एक्स। ओके, अच्छा दोनों 15 के टेबल में आते हैं, हम इसे कट कर लेते हैं, 15 5 75 15 4 60, ये दो जीरो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये हम इसे और कट करें तो ये हो जाएगा 5 8 यानी x की वैल्यू आ गई 80, ठीक है। अब बिजनेस के आपके न्यू वैल्यू कितनी आ गई, x की, x आपने हमने क्या लिया था, लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी रुपीज एक्स, राइट है, तो बिजनेस की न्यू वैल्यू कितनी आई x, और x का वैल्यू क्या आया 80। हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू रुपीज 80, राइट है। चलो स्टूडेंट्स, ओल्ड वैल्यू था हमारा कितना 100, न्यू वैल्यू कितना है सब में 80, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा था सबसे पहले कि द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 7.5%, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द बिजनेस। क्वेश्चन में हमें पूछा है परसेंटेज रिडक्शन इन द बिजनेस, क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, इसीलिए हमने पुराने बिजनेस को 100 लिया ताकि लास्ट में जब हम परसेंटेज निकाले तो हमें बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दू, यहाँ पे अगर मैं 100 लू तो लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस में हमने 100 लिया, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना आ गया 80, ठीक है। तो नया पुराना वैल्यू है 100, न्यू वैल्यू है 80, यहाँ पे दोनों में आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है 20 का, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ गया रुपीज 80, पुराना वैल्यू हमने क्या लिया था 100, राइट है, 100 80, दोनों में डिफरेंस कितने का है 20 का है। बहुत ही इजीली आप यहाँ पे फिर क्लियर कट बता सकते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा था आप देख सकते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे 20% रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।